तो देखते ही देखते हम आ गए दिसंबर में। भाई दिसंबर का महीना भी हर महीने की तरह तगड़ा रहने वाला है, पर नवंबर से कम, पर फिर भी कुछ अच्छी तगड़ी बॉलीवुड मूवीज आने वाली है इसके अंदर। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, आपको सारी मूवीज सारी सीरीज ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। कुछ लीक्स भी आए हैं, अपडेट्स आए हैं उस मूवीज़ के, किसी मूवीज़ के, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो जो 1 दिसंबर को मूवी आने वाली है वो है काला। बस इतना समझ लो कि भाई इरफान खान का बेटा काबिल खान इसके अंदर डेब्यू कर रहा है अपना। नेटफ्लिक्स पर आएगी काला मूवी, ड्रामा मूवी रहने वाली है ये। और स्टोरी कुछ ये है कि एक सिंगर है जो कि अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है, अब वो कैसे उस टैलेंट को उभारता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में। अब देखो इरफान खान का बेटा है तो कुछ ना कुछ तो भाई बड़ा हमें देखने को मिलेगा ही। तो ये इनका डेब्यू भी होने वाला है, तो देखते हैं कैसी रही कि मूवी। अब भाई 2 दिसंबर बहुत सारी तगड़ी थी। पहली आने वाली है इंडिया लॉकडाउन, जो कि यार कोविड में क्या कुछ हुआ था हमारे साथ, वो जिस सीरीज़ में आपको दिखाया जाएगा जिसमें भाई की सीरीज रहेगी। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा, इंडिया के ऊपर दिखाएंगे शायद, और इंडियन से बनाई है तो एक बढ़िया सी सीरीज ये मेरे को लग रही है, इससे उम्मीद है। जो अगली मूवी है भाई ये होने वाली है नेक्स्ट लेवल मूवी, इसका नाम है फ्रेडी। भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी, कार्तिक आर्यन की एक बहुत तगड़ी मतलब मस्त प्लॉट ट्विस्ट वगैरह वाली मूवी लग रही है मुझे ये। पूरा रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। अगली जो मूवी रहने वाली है ये होगी बहुत मस्त, नेटफ्लिक्स पर आएगी, अमिताभ बच्चन, सुनील ग्रोवर, रश्मिका और ऐसे कई सारे तगड़े तगड़े एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स में इस मूवी में उठाए गए हैं। गुड बाय एक बहुत तगड़ी कॉन्सेप्ट वाली मूवी, एक फैमिली वाली मूवी। जो अमिताभ बच्चन की वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है, अब रश्मिका को उनके फ़ोन नहीं उठाए उन्होंने, अब उसके बाद उनका क्या सीन होता है, कैसे वो वहाँ जाते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं जब उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में। और बहुत मतलब कॉमेडी प्लस इमोशनल एक फैमिली मूवी रहने वाली है ये। गुड बाय मूवी जरूर जरूर देख लें। अगली जो है वो है थिएटर में आने वाली एन एक्शन हीरो, आयुष्मान खुराना इज ऑन फायर। भाई मस्त ट्रेलर है, इसका ट्रेलर देखकर ही मैं इसका फैन हो गया पक्का के पक्का। ये मूवी तो जरूर जरूर देखनी है ही, एक बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट कॉमेडी एक्शन साथ में एक क्राइम थ्रिलर मूवी, तो मजे। और साथ ही में क्रश्ड सीरीज जिसका सिर्फ 6 एपिसोड आए थे पहले, अब वो फिर से आएगी, तो कोई सीजन 2 उसका आएगा अमेजोन मिनी पर जो कि फ्री है, जाकर देख सकते हैं। अब सीधा 2 तारीख के बाद 9 तारीख को आएंगी मूवीज मनी हिस्ट का, जो नेटफ्लिक्स का कोरिया का वर्जन है, वो सीजन उसका आएगा। और साथ ही में पिनोकियो की मूवी, एक और मूवी पिनोकियो की नेटफ्लिक्स पर आएगी, एक अलग डायरेक्टर, एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग स्टोरी, सब कुछ अलग होगा। अब 16 दिसंबर को एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी जो रहने वाली है अवतार द वे ऑफ वाटर। अवतार का सेकंड पार्ट इतने सालों बाद आया और ट्रेलर ने इतना हाइप बना दी, और जो इसके विजुअल्स वगैरह वो तो है ही नहीं उसका, इसका भी पूरा वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लें ट्रेलर। और सेकंड है एक और मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर क्राइम मूवी, गोविंदा मेरा नाम विक्की कौशल की एक और मूवी जो कि शायद अच्छी रहेगी। पर हाँ इसका ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पूरा मर्डर मिस्ट्री टाइप है। 23 दिसंबर बहुत ज़्यादा मस्त रहने वाला है, ग्लास ऑनियन जो नाइव्स आउट का एक और मूवी, मतलब सीक्वल नहीं है पर हाँ एक मूवी है, वही डिटेक्टिव, वही सब कुछ, वही एक और मर्डर मिस्ट्री मूवी, एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री मूवी, एक हॉलीवुड की मर्डर मिस्ट्री मूवी। और अगर आपने नाइव्स आउट का पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और साथ में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आएगी और हिंदी में भी आएगी, जो कि बहुत मस्त बात है, क्योंकि जो नाइव्स आउट थी वो नहीं आएगी और ये बहुत ही मस्त वाली है। अगली जो मूवी है वो है सर्कस, एक बहुत अवेटेड मूवी, गोलमाल वाली स्टार रोहित शेट्टी, मस्त रहेगी, फैमिली एंटरटेनर रहेगी। और साथ में पुराने ज़माने का कुछ दिखाएंगे इसके अंदर, और 2 दिसंबर को इसका ट्रेलर आ जाएगा, ये रिलीज़ होएगी 23 दिसंबर को, जाओ देख लेना मस्त वाली है मेरे हिसाब से। तो क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को आएगी विचर ब्लड ओरिजिन नेटफ्लिक्स पर, नेटफ्लिक्स की बहुत ज़्यादा तगड़ी अवेटेड सीरीज रहने वाली है ये। और विचर जो सीरीज आई थी उससे 1000 साल पुरानी की स्टोरी चलेगी, उसका ओरिजिन चलेगा, कैसे कुछ एल्फ्स मिलकर एक बहुत अनस्टॉपेबल पावर को रोकते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। 25 को आएगी नेटफ्लिक्स पर
मजा आएगा। 30 दिसंबर को आएंगी दो मूवीज, जिसमें से एक बॉलीवुड की, मतलब चांसेस कम है उसके, पर फिर भी अगर आ गई तो उसका ट्रेलर हमें इस महीने जल्दी देखने को मिल जाएगा। कभी ईद कभी दिवाली, सलमान खान की एक अवेटेड मूवी है ये भी, और उम्मीद है कि ये शायद इस 30 दिसंबर को रिलीज़ हो जाएगी। और साथ ही में जो दूसरी मूवी है वो हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर कॉमेडी, मतलब बहुत कुछ है उस मूवी में, एक लॉन टायरोन, एक साईफाई मूवी भी रहने वाली है ये। इसका मतलब ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, सामने ही नहीं लगे तो आएगी ही, नेटफ्लिक्स पर आएगी तो बहुत मजा। डॉक्टर जी और मिली दोनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी, एक पता पचपन आगे होंगी, और साथ में कोड नेम तिरंगा भी होगी इसी में ही रिलीज नेटफ्लिक्स। और थैंक गॉड राम सेतु, फोन बूथ और डबल एक्सल होंगी Amazon Prime पर रिलीज, जो कि बहुत मजा देखी है। मेरे को चारों मूवी देखनी है, ये चारों मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी। तो ये थी आज की पूरी लिस्ट भाई दिसंबर की मूवीज जो आएंगी, मूवी सीरीज आएंगी, कुछ रह गई हो तो वो अगले पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपने नवंबर का नहीं देखा मैंने तो जाकर देख लो, शायद आपने कोई मूवी या सीरीज मिस कर दी हो। तो ऐसे ही मेरे और कंटेंट सब्सक्राइब कर लेना, चेक करना वीडियो।